खरगोश। एक था जंगल, उसमें एक शेर रहता। भूखा ना होता फिर भी वो अपनी शक्ति दिखाने के लिए कितने प्राणियों की जान ले लेता। शेर के लिए ये एक खेल था, लेकिन इसमें कितने निर्दोष प्राणी की जान जाती। इसी कारण एक दिन सभी प्राणी इकट्ठा हुए, कुछ सोचा और शेर के पास गए। उसमें से लोमड़ी आगे आया और शेर को नमन किया और बोला, महाराज हम लोगों को आपसे कुछ कहना है। क्या कहना है बोलो। लोमड़ी धीरे से बोला, महाराज आपको शिकार करने का कष्ट ना हो इसलिए हमने कुछ सोचा है। रोज आपके पास एक प्राणी आएगा और आपका शिकार बनेगा। ऐसा करने से हमारा सर्वनाश होने से रुक जाएगा। आप हमारे राजा हैं, इसलिए आप हमारी ये बात स्वीकारें। शेर का जवाब सुनने के लिए सभी प्राणियों के कान खड़े हो गए। डरपोक प्राणी सबसे पीछे खड़े थे, किसी बड़े प्राणी के पीछे छुपने के बावजूद भी कांप रहे थे। शेर को ये बात पसंद आई और बोला, ठीक है, लेकिन मेरे पास रोज एक प्राणी आना चाहिए। जिस दिन कोई प्राणी नहीं आया उस दिन मैं तुम सबको मार दूंगा, मंजूर है? सभी प्राणी सहमत हुए और बिना डरे अपने अपने घर चले गए। रोज जिसकी भी बारी हो वो शेर के पास जाने लगा। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। शेर के हाथों से मरने की इच्छा किसकी होगी? दूसरे प्राणी ने खरगोश को धक्का मार के भेजा। इसी कारण से खरगोश मुंह लटकाए शेर की गुफा की ओर चलने लगा। रोज खरगोश कूदता दौड़ता और मस्ती करता, लेकिन आज मरने जाने के लिए उसके पैर नहीं चल रहे थे। चलते चलते सोच रहा था, शेर को मारने का कोई तरीका मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। आगे बढ़ते वक्त उसने एक कुआं देखा। कुएं के पास जाकर उसमें देखा तो उसका प्रतिबिंब दिखा। उसे एक तरकीब सूझी, शेर को मारने की तरकीब मिल गई। खरगोश जानबूझकर रास्ते के बीच बैठ गया। शेर की भूख बढ़ती गई। शेर राह देखकर सोचने लगा, अभी तक कोई प्राणी नहीं आया, अब अगर थोड़ी देर में कोई नहीं आया तो मैं जंगल के प्राणियों का विनाश कर दूंगा। तभी सामने से खरगोश आते दिखा। खरगोश क्यों इतनी देर लगी आने में? खरगोश ने दोनों हाथ जोड़े और निराश होकर कहा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है महाराज, अगर आप आज्ञा देंगे तो मैं कहूँगा। जो भी कहना है जल्दी बोल। महाराज दूसरे प्राणी ने मुझे 5 खरगोश के साथ भेजा था जिससे आप भूखे ना रहें। तो दूसरे खरगोश कहाँ भाग गए? महाराज हम आपके पास ही आ रहे थे कि रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो? हमने कहा हम महाराज के पास भोजन बनने के लिए जा रहे हैं। इतना सुनने के बाद वो शेर गुस्सा हो गया और बोला, इस जंगल का राजा मैं हूँ तो दूसरा राजा कौन बन गया? और मैं ये 4 खरगोश अपने पास रखता हूँ, और जा अपने महाराज को बुला कर आ और बोल कि उसको राजा बनना है तो मेरे साथ युद्ध करे और मुझे हरा दे। ये सुनकर शेर का खून खौल उठा और बोला, दिखाओ वो शेर कहाँ है, आज मैं नहीं या वो नहीं। खरगोश यही चाहता था। चलिए महाराज। खरगोश आगे चल रहा था और शेर पीछे। खरगोश शेर को कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज आपको देखकर वो शेर डर गया है लगता और कुएं में छुप गया है, आइए और इस कुएं में देखें। शेर ने कुएं में देखा तो उसे खुद का प्रतिबिंब दिखा। उसे लगा खरगोश की बात सही है और मन में सोचने लगा कि ये तो कुएं में हकीकत में दूसरा शेर है। शेर ने अपना पंजा फैलाकर कुएं में छलांग लगा दी और डूब कर मर गया। खरगोश वापस दूसरे प्राणी के पास गया और सब खरगोश को देखकर चौंक गए और लोमड़ी ने पूछा, अरे खरगोश तू वापस इधर कैसे आया?
मैंने शेर को बेवकूफ बनाया और उसकी जान भी चली गई। अब किसी भी मेरे भाई या दोस्तों को शेर का शिकार नहीं बनना पड़ेगा। सबने खरगोश की तारीफ की और खरगोश को राजा बना दिया। सब खुशी से रहने लगे। मोरल, कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें।